आधुनिक और मध्यकाल में महिलाओं का भारत राजस्थान के इतिहास में योगदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह की पत्नी थी और इसकी सुंदरता के कारण 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और इस युद्ध में रावण रतन सिंह और उसके दो साथी गोरा और बादल भी मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है अपनी 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ में। अगला है जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी थी। इनको 1933 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदान की गई और 1942 में इन्होंने गो सेवा संघ की अध्यक्षता की। भूदान आंदोलन में जानकी देवी ने सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत सरकार ने इनको 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राज्य की पहली महिला और प्रथम व्यक्तित्व थी। जानकी देवी ने अपनी आत्मकथा को मेरी यात्रा में मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा था। फिर अगला है कालीबाई। कालीबाई ये भील जाति की थी, डूंगरपुर ज़िले की रहने वाली थी और डूंगरपुर ज़िले के रास्तापाल गांव की थी। इनके गुरुजी थे सेंगा भाई। तो सेंगा भाई को लेकर के पुलिस जा रहे थे ट्रक से बांध करके घसीटती हुई। तभी इन्होंने अपनी हसिया से सेंगा भाई की रस्सी को काट दिया और उनको छुड़ा दिया। पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई और गोली चलाने से 19 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है और नानाभाई खाट की मृत्यु स्कूल में ही हो जाती है। तो स्कूल को बंद कराने के लिए पुलिस ने इनके गुरुजी सेंगा भाई को पकड़कर ले जा रही थी। फिर अगला है मीराबाई। मीराबाई मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी और इनके पिता मेड़ता के सरदार रतन सिंह थे। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन थी और कृष्ण भक्ति को छुड़ाना चाहते थे संग्राम सिंह। इस कारण इस पर कई अत्याचार किए जाते हैं लेकिन सभी अत्याचारों से बच जाती है और ये मर भी नहीं पाती है। जहर दिया जाता है, सांप से डसवाया जाता है तब भी ये मर नहीं पाती है। फिर अगला है पन्ना धाय। पन्ना धाय मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय थी। यह उनकी देखभाल करती थी। बनवीर राणा सांगा के बड़े पुत्र विक्रमादित्य को मार देता है और उदय सिंह को भी मारने के लिए महलों में जाता है। इस बात का पता पन्ना धाय को चल जाता है और वह उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है और बनवीर चंदन को मार देता है। इस तरह से पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ भेज देती है राजसमंद जिले में। फिर अगली है अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की रहने वाली गायिका है, मांड गायिका।
इनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और 2012 में इनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। 2012 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। इनको एक गीत था राजस्थान का, केसरिया वालम पधारो म्हारे देशनी, इस गीत के ऊपर इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था अल्लाह जिलाई बाई को। फिर अगली है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ये मेड़ता की रहने, इनका जन्म मेड़ता में होता है 1916 में देवगढ़ ठिकाने में। 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनकी रचनाएं थी, कुछ रचनाएं थी जैसे कि बगड़ावत, ओंकार ओंकारो दोसा, टाबरारी वाता, मझली रात, मूमल, लव ऑफ स्टोरी। तो इनकी रचनाओं के लिए इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था लक्ष्मी कुमारी चूड़ामत को। अगली है हाडा रानी। तो हाडा रानी जब जब औरंगजेब और राज सिंह के बीच में औरंगजेब और राज सिंह के बीच में जब युद्ध की बात हुई, खटा हुआ था, तो उस समय हाडा रानी के पति रतन सिंह मेवाड़ के सेनापति थे, तो इनको युद्ध में भेजा जाता है। जब इनको युद्ध में भेजा जाता है तो ये निशाने मांगते हैं, तभी ये हाडी रानी इनको अपना सर काट करके देती है निशाने के तौर पर। तो ये थी हाडी रानी। बूंदी की जागीरदार, यानी कि ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी और इनका नाम सलहकंवर था। राजस्थान के इतिहास में इनको हाडी रानी के नाम से जाना जाता है। अगली है श्रीमती किशोरी देवी। श्रीमती किशोरी देवी ये शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित है। इनके पति थे सरदार हरलाल सिंह और इन्होंने कटरा थल में 10,000 महिलाओं के साथ में नेतृत्व किया था महिलाओं का। फिर अगली है श्रीमती रामलोरी देवी। श्रीमती रामलोरी देवी ये भी शेखावाटी क्षेत्रीय किसान आंदोलन से संबंधित है और ये 6 महीने के अपने पुत्र के साथ जेल जाती है, 6 महीने के पुत्र के साथ में जेल जाती है। फिर अगली है श्रीमती अंजना देवी। श्रीमती अंजना देवी ये राम नारायण चौधरी की पत्नी है। इन्होंने अपने पति रामनारायण चौधरी के साथ बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं को नेतृत्व किया और 1921 से 1924 तक मेवाड़ बूंदी की महिलाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। 1934 से 1936 तक नारेली आश्रम में रह करके हरिजनों की सेवा की और 1939 से लेकर 1942 तक गांधी जी की सेवा आश्रम में रहकर आश्रम कार्यों को संभाला था। फिर अगली है नारायणी देवी। नारायणी देवी भी उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत से संबंधित है, मेवाड़ किसान आंदोलन से, उदयपुर की है। उदयपुर के माणिकलाल वर्मा की पत्नी है। माणिकलाल वर्मा एक प्रसिद्ध मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी थे और माणिकलाल वर्मा ने खांडलाई में एक आश्रम स्थापित किया था 1934 में, जिसे भीलों को शिक्षा प्रदान की गई थी और 1939 में राजसेन को निर्वासित कर दिया था। नारायण देवी ने 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। अगली है रणछोड़ कबरी बाघेली।
ये सीवा यानी मध्य प्रदेश के सीवा की राजकुमारी थी और जोधपुर के तख्त सिंह से इसका विवाह हुआ था। इन्होंने कृष्ण विलास और अवध विलास दो रचनाएं लिखी थी, अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई थी। फिर अगली है ब्रज कंवरी बाकावती। ब्रज कंवरी बाकावती इनका जन्म लवान ठिकाने में होता किशनगढ़ में और ये राज सिंह की पुत्री थी और इन्होंने ब्रजदासी नाम की रचना रची थी। फिर अगली है ब्रज कंवर। ब्रज कंवर ये राणा संग्राम सिंह की पुत्री थी और बूंदी के हाड़ा दुर्जन साल सिंह से इनका विवाह हुआ था। किशोर सागर तालाब पर जगदीश मंदिर और ब्रज विलास का निर्माण करवाया था उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर। फिर अगली है मुंशी रानी। तो मुंशी रानी अलवर के वक्तावर सिंह की पासवान थी और अलवर के राजमहल के पीछे बख्तावर सिंह और मुंशी रानी की 80 खम्भों की छतरी बनी हुई है और मुंशी रानी के पुत्र ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। फिर अगली है अबली मीणी। अबली मीणी ये मुकुंद सिंह यानी कोटा के मुकुंद सिंह की पासवान थी। इनका मुकुंदरा हिल्स पर महल बना हुआ है अबली मीणी का और जेम्स टोड ने इस महल को दूसरा ताजमहल कहा था। फिर अगली महिला है रस कपूर। रस कपूर ये जयपुर के जगत सिंह की पासवान थी और इनके नाम पर चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी कि अंत के समय में रस कपूर को षड्यंत्र के कारण पकड़ लिया जाता है और इसको नाहरगढ़ किले में बंदी बना दिया जाता है और अंतिम समय तक ये नाहरगढ़ किले में ही बंदी रहती है। फिर अगली महिला है रुकमा देवी। ये बाड़मेर ज़िले की रामसर गांव की है, मांगणियार जाति की। ये पहली महिला थी जिसने सार्वजनिक रूप से गीत गाए। फिर अगली महिला है राजकी सपेरा। राजकी सपेरा जयपुर की रहने वाली है, एक कालबेलिया जाति की है और नृत्यांगना है। इनको राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है। ये अमेरिका, पेरिस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे यूरोप के अनेक देशों में नृत्य कर चुकी है। राजकी सपेरा इनका नाम है और कालबेलिया नृत्यांगना है। बन्नो बेगम जयपुर की मांड गायिका है। बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है तथा इसकी माता जौहरबाई जयपुर के दरबार में गाने का और नृत्य करने का काम किया करती थी। अगली है श्रीमती रतन शास्त्री। श्रीमती रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी है और इन्होंने वनस्थल विद्यापीठ यानी वनस्थली निवाई में वनस्थली विद्यापीठ का संचालन किया और 1939 में सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी छात्राओं के साथ में भाग लिया और महिला शिक्षा विकास के लिए इनको पद्मश्री, जमनालाल बजाज
और 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली महिला है श्रीमती सुमित्रा सिंह। इनका जन्म 3 मई 1930 को झुंझुनू की किसारी गांव में होता है। ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। फिर इसके बाद में अचल कुमावत, अगली महिला है आंचल कुमावत। तो आंचल कुमावत को विश्व की नन्ही जादूगरनी भी कहते हैं। इनके पिता गिरधारी लाल कुमावत और माता तारा देवी दोनों ही इंजीनियर हैं। उदयपुर ज़िले की है। इनका जन्म 22 फरवरी 1993 को होता है, हुआ था। अगली है मणिबेन पंड्या। ये स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल पंड्या की पत्नी है। भोगीलाल पंड्या को वांगड़ के गांधी कहते हैं और मणिबेन पंड्या को बागड़वा के नाम से भी जानते हैं। 12 फरवरी 1969 को इनकी मृत्यु डूंगरपुर में हो जाती है। फिर अगली है श्रीमती नगेंद्रवाला। नगेंद्रमाला प्रथम महिला जिला प्रमुख है हाड़ौती क्षेत्र से। हाड़ौती क्षेत्र से प्रथम महिला जिला प्रमुख है। फिर अगली है गबरी देवी। श्रीमती गबरी देवी ये बीकानेर की मांड गायिका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान बना रखी है। और एक मांड गायिका और थी बीकानेर से ही, अल्लाह जिलावाई, अल्लाह जिलाईबाई, ये बीकानेर की थी और ये मांड गायिका थी। और पाली की है एक गबरी देवी, ये भी मांड गायिका है। तो तीन मांड गायिका थी, दो बीकानेर से एक गबरी से, सॉरी एक पाली से। अगली है पार्वती गहलोत। पार्वती गहलोत जोधपुर से है, जोधपुर ज़िले से। 1928 में पहली बार महिला डॉक्टर बनी थी राजस्थान की। और 1936 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाती है। अगली महिला है दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी ताड़केश्वर शर्मा की पत्नी है। 1939 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यह पहला जत्था लेकर के जयपुर जाती है महिलाओं के साथ में गिरफ्तारी देने। अगली महिला है खेतुबाई। खेतुबाई मगाराम बैद की बहन है और दुधवाकारा किसान आंदोलन से महिलाओं का नेतृत्व करती है और जीवन भर खादी वस्त्र पहनने का व्रत करती है। अगली है उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से जानते हैं। जोधपुर मारवाड़ रियासत की मालदेव की पत्नी थी और इसको लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगली है चंद्रसखी। चंद्रसखी ये प्रसिद्ध कवित्री है। इनका जन्म 1888 में हुआ था। इनकी एक रचना थी सगुन लीला। अलवर के शासक बख्तावर सिंह इन्हीं के नाम से कविताएं लिखा करते थे। फिर अगली है महिला दुर्गा देवी शर्मा। 1939 के जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन में झुंझुनू से महिलाओं को जत्था लेकर आती है और महिलाओं के साथ में अपनी गिरफ्तारी देती है। अगली है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। इसकी सगाई दो जगहों पर हो जाती है, पहले जोधपुर में और फिर जयपुर में। तो ऐसी स्थिति में जोधपुर और जयपुर दोनों रियासतों में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध को रोकने के लिए कि बार बार युद्ध नहीं हो, इसलिए जहर खा करके आत्महत्या कर लेती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर अगली महिला है रमा देवी। रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है
और पंडित लादूलाल जोशी इनके पति थे। जब ये बार बार किसान आंदोलन में जाती थी तो इनको पुलिस रोकती थी, तो पुलिस से इन्हें कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार होते रहेंगे तब तक वह किसान आंदोलन में आती रहेंगी, और इस तरह से इन पर कई जुल्म किए जाते हैं और इनको जेल भी भेज दिया जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में श्रीमती रमा देवी। फिर अगली महिला है भारती देवी, ये 1939 के सत्याग्रह आंदोलन में जयपुर जाती है, जयपुर रियासत में, और वहाँ जाकर के अपनी महिलाओं के साथ में 3 माह के लिए इनको जेल में भेज दिया जाता है। फिर अगली महिला है सरस्वती देवी, ये भी क्या करती है, जयपुर किसान आंदोलन में भाग लेती है और इनको भी जेल भेज दिया जाता है 1939 में। फिर अगली महिला है श्रीमती मेहता देवी, ये अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाती है और महिलाओं में जन चेतना का कार्य करती है। इनके पति राम नारायण मेहता थे और इनके ससुर थे बूंदी के प्रधान सेवापति निरंजन दास थे, निरंजन दास नागर थे। फिर अगली महिला है श्रीमती कोकिला देवी, श्रीमती कोकिला देवी ने अजमेर में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया और इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। फिर अगली महिला है सुशीला त्रिपाठी, ये अलवर के लोक जागरण की यार मैंने चालू तो करा ही को नहीं, देखो चालू ही कर दिया। हाँ मैं लग रहा हूँ चालू। हाँ अगली है कृष्ण कुमारी उदयपुर की राजकुमारी है और इनका विवाह दो जगह पर हो जाता है, पहले जोधपुर में और सॉरी सगाई हो जाती है जोधपुर में और जयपुर में। इसी स्थिति में जोधपुर और जयपुर दोनों रियासतों में युद्ध हो जाता है और युद्ध बार बार नहीं हो इसको रोकने के लिए इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। फिर श्रीमती रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी है। जब तक किसानों पर अत्याचार होते रहेंगे तब तक वह आंदोलन में आती रहेगी, इस तरह से पुलिस इन पर अत्याचार करती है और इनको जेल भी डाल देती है। अगली महिला है श्रीमती भारती देवी, ये 1939 के सत्याग्रह आंदोलन में है। भारती देवी और सरस्वती देवी दोनों 1939 के जयपुर सत्याग्रह में महिलाओं को नेतृत्व करते हुए जाती है और इनको 3 माह के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अगली महिला श्रीमती मेहता देवी को अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और महिला जनचेतना के लिए जानी जाती है, और राम नारायण मेहता इनके पति थे और इनके प्रधान सेवापति निरंजन दास थे बूंदी के। फिर अगली महिला है श्रीमती कोकिला देवी, ये अजमेर में नमक सत्याग्रह आंदोलन करती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अगली है सुशीला देवी त्रिपाठी, ये अलवर की लोक जागरण की अग्रदूत लक्ष्मण की पत्नी थी। इन्होंने मद्रास में हिंदी का प्रचार किया, साथ में हिंदुस्तानी सेवा दल का सहयोग किया और 1933 में इन्होंने दिल्ली में सत्याग्रह आंदोलन किया चांदनी चौक पर, और इस तरह से इनको 3 माह की जेल हो जाती है। है श्रीमती सत्यभामा, ये बूंदी के नित्यानंद सागर की पुत्रवधू है, 2 बच्चों के साथ में जेल जाती है और ब्यावर अजमेर आंदोलन का नेतृत्व संभालती है। गांधी जी की मानस पुत्री कहलाती है और 1942 में फिर जेल जाती है। अगली महिला है नगेंद्र बाला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है
और 1945-46 में प्रेस एक्ट का विरोध करती है। अगली महिला है रामप्यारी शास्त्री। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की ओजस्वी भाषण देने वाली महिला है रामप्यारी शास्त्री। फिर अगली है राम दुलारी शर्मा। ये कोटा रायपुर क्षेत्र से संबंधित है और 13 अगस्त 1942 को इसके नेतृत्व में महिलाएं कोतवाली को घेर लेती है। फिर अगली महिला है सावित्री देवी। 1942 में मारवाड़ लोक परिषद उत्तरदायी शासन की मांग करती है, उससे संबंधित है और इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह महिलाओं को जागृत करने का काम करती थी। तो इसी के साथ में हमारी आधुनिक और वर्तमान काल की महिलाओं का भारत की सॉरी राजस्थान के इतिहास में योगदान था, ये पूरा होता है। कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा।